एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइज, मैं भी बढ़िया हूँ, तबीयत ठीक चल रही है फिलहाल। और कल है जन्माष्टमी, कल था काना का बर्थडे और आज है 25 तारीख और कल है जन्माष्टमी। मुझे करनी है जन्माष्टमी की ढेर सारी तैयारियाँ और मैंने सोचा है, जैसे कि हर बार मैं अच्छा सा सेटअप बनाती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा मंगा लिया था। आपको पता ही है मैं कर नहीं सकती सारी चीज़ें ना, इतना सब कुछ, बट जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी, कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा करने की, अगर मेरे में हिम्मत रही। और लड्डू गोपाल ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी करने की और जितना भी भोग हो पाएगा मैं, मम्मी दीदी सब मिलके करेंगे आज तैयारियाँ। तो गाइस चलिए करती हूँ ब्लॉग स्टार्ट और पूरे ब्लॉग में बने रहना, जितनी हो सके मैं उतनी रेसिपी शेयर करूँगी अच्छे से अच्छी चीज़ें करने की, है ना। और आपके लिए एक आइडिया सा शेयर कर देती हूँ कि भाई इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी ना मेरे पिछले ब्लॉग को देख के ना कमेंट आया था, मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या सब्सक्राइबर है, जो मुझे हमेशा देखती रहती हैं, अंजू। तो अंजू से ना मैं नॉर्मली वैसे ही बात करती हूँ, कह रही आप ना आपकी ना लास्ट ईयर की जो ब्लॉग था उसको देख के मैंने वो वाली मिठाई बनाई आपकी, ड्राई फ्रूट वाली, तो हम ऐसी चीज़ें बनाते रहते। तो गाइस अच्छा लगता है, देखिए पिछली बार में जाके किसी के माइंड में ये रह जाता है कि उसने कैसे बनाई थी, आता भी है देख भी लेते हैं, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कैसे कैसे। तो मैंने सोचा इस बार भी कुछ ऐसा ही बनाऊं। मेन तो एक मेरा रहता है, या तो मैं बर्फी बनाती हूँ लड्डू, और बहुत सारी तैयारियाँ हमने कर ली हैं। यहाँ पे आपको मोर पंख दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल के लिए सेटअप बनाने के लिए हमने मंगा लिया है और यहाँ पे बनाऊंगी एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि ना एक पहले से ही बना हुआ आया था, मार्केट से ले लिया था, उसको लगाना है, उसके मैचिंग कुछ देखेंगे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और बने रहना पूरे ब्लॉग में। और सबसे पहले कमेंट करना कैसा लगा ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ना यहीं कहीं आपको ना बेल आइकन मिल जाता है उसको भी क्लिक कर दिया करो, उससे क्या होगा जैसी मेरी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं। और जिनको कमेंट होता है ना फिर मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, जिनके पहले पहले कमेंट आते हैं। फिर गाइस बाद में क्या रहता है, थोड़े से कमेंट डिले हो जाते हैं, मैं नया ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ, एडिट कर रही होती हूँ, तो वो कमेंट इतने मिल नहीं पाते, बट जिसका जो कमेंट मिल जाता है मैं कर देती हूँ रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। मेरी हालत तो इतनी अच्छी है नहीं कि मैं इन पे चढ़ पाऊँ और गिरने विरने का रिस्क ले सकूँ, तो मैंने प्रिया को बुला लिया था। और ना वैसे भी ये जो ऊपर चढ़ने का, मेरी हेल्प के लिए हमेशा ही प्रिया आती है, प्रिया हमारे घर में काफ़ी क्रिएटिव है, तो प्रिया अपने घर का भी करती है, मैं भी उसके साथ कुछ आइडिया शेयर करती हूँ कुछ, वो तो दोनों मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पर ना मैं अपना बनाते जा रही थी, उसको बताते जा रही थी कि मेज़ पर इस तरह से लगाएंगे कर लेंगे, बट हमने जब ये सेटअप लगाया ना मुझे लगा कुछ ज़्यादा खास करने की ना नीड नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ही ऑलरेडी एक सेटअप आया हुआ है और टेबल लगानी है, इस पर सारी चीज़ें ना मैं लगा लूँगी। गाइज मेरे पास ना एक पेज से आई थी ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल की थोड़े दिन पहले, तो इस बार मेरा मार्केट जाना नहीं हुआ, यही सारी चीज़ें मेरे काम आ गई। वैसे तब आई थी तभी मैंने देख के डिसाइड कर लिया था कि जन्माष्टमी तक मेरे ये काम आएंगी, झूला थी इसमें और पीछे जो फूल बंगला होता है वो था, लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस हैं और सारी चीज़ें थी, मतलब हाथ के कड़े और खिलौने वगैरह, मतलब सारी चीज़ मेरे पास ऑलमोस्ट आ गई थी। तो इस बार मेरा मार्केट जाना वैसे भी नहीं हो पाना था, तो कहते ना कान्हा जी ने पहले ही भिजवा दिया था मेरे लिए सारा सामान, और एक पेज से ये आ गया था जो पीछे का सेटअप था, तो ये अब लास्ट में जन्माष्टमी के लिए ये आ गया था। तो मुझे लग रहा था देखो कान्हा जी का मैं हर बार करती हूँ, और रोजाना मेरे मन में था कि मैं कैसे करूँगी इतना सब कुछ ना, तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं रहती है, तो अपने आप सारी चीज़ें अरेंज होती चली गई। तो पहले हमें था सिर्फ यही लगाएंगे इसके नीचे एक कपड़ा बिछा के और हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा, बट जैसे ये मैंने लगाया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैंक लग रहा था, फिर मैंने नीचे कारपेट लगाया क्योंकि वो तो लगाना था ही, तो मुझे लगा यार बैकग्राउंड में ना कुछ और होना चाहिए, ये खाली येलो येलो सा ना अच्छा नहीं लग रहा, पीछे व्हाइट वॉल है ना, अगर इस पर कोई वॉलपेपर या कुछ होता तो एकदम बहुत सुंदर लगता, बट हमारी वॉल भी पूरी वाइट है ना, तो उस पर खिलके उभर के नहीं आ रहा है ना। और जब तक मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अच्छे से नहीं कर लेते ना, मेरे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, जैसे कि इसको ही मैं अगर ऐसे सिंपल छोड़ देती थी कि अच्छे तो बहुत लगते हैं, मेन तो हमारा मन मतलब ये होना चाहिए कि पूजा पाठ और भावना कैसी है हमने बनाने की, पर फिर भी थोड़ी सी ये कह रहता है ना कि मैं अगर कर सकती हूँ उसको अच्छे से अच्छा तो और सुंदर से जाना चाहिए, हर दिन तो कान्हा जी का बर्थडे आता नहीं है, है ना, तो वो अपने बच्चों के बर्थडे हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, कान्हा जी का वैसे ही मनाने चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने ली एक नई साड़ी और इसको मैंने इस तरह से लगाया, इसका बॉर्डर ऊपर आया पर्पल के साथ येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो अभी फ़िलहाल मेरे से इतना ही हो पाया तो मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये ना सेटअप आया था ना पीछे ये हैंगिंग वाला, ये तो बहुत ही यूज़फुल लगा यार, इसमें बस एक कील पर हैंग करना था और पूरा बन के तैयार था। बट ये मैंने जिस पेज से मंगाया था ना, ज्योतिका नारंग जी का पेज है इंस्टा पे, है ना, वहाँ पे स्टॉक आउट हो गया, अब दोबारा जब नए आएंगे नवरात्रों के लिए तो मैं आपके साथ जल्दी उसका रिव्यू शेयर करूँगी, अगर किसी को लेना हो तो फटाफट ले लेना, मैं एक और भी मंगाऊंगी वहाँ से, मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग लाइट थी, ये लाइट में वैष्णो देवी से लाई थी, तो मुझे था कि जब मैं नवरात्रों में या जन्माष्टमी पर ना इनको लगाया करूँगी, तो ये बहुत सुंदर सुंदर ना पूरे इस पर शीशे लगे हुए थे, एकदम बॉल थी जैसे डिस्को बॉल होती ना उस टाइप की ये लाइट्स थी,
तो जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो जैसे सब लोग होते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ें खरीदते रहते हैं। मैं तो जैसे डेकोरेशन की सामान खरीदती हूँ, मंदिर का भी ले लेती हूँ कि भाई ये मुझे नवरात्रों में काम आएगा, जन्माष्टमी पर काम आएगा, ऐसे। तो जब मैं पहले गई थी तो मैंने ये तभी ले ली थी कि अब जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रे आएंगे, तब ये काम आएगी लगाने में। और आपको पता ही है मैं जन्माष्टमी पे भी और नवरात्रों में भी हमेशा दरबार लगाती हूँ बहुत सुंदर सा। तो इस बार सिंपल है बट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सामने से, एकदम आई कैची। आपको कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर। और कौन सी ऐसे लिस्ट होएगा, उससे लिस्ट हो ज्यादा बड़े थोड़ी हो जाएंगे, जितने थे उतने मैंने लगा दिए। अब कोई और लगवानी है आपको? ये लगा दो। पर बच्चे, छोटे बच्चे लगाते नहीं है ना लिपस्टिक की, गंदी होती है, इनमें केमिकल होता है। अच्छी होती है ऐसे करो ये। किसने सिखाया आपको? ऐसे करो ना, लाइट में मुंह करो, ऐसे करो। ऐसे पिग जैसा मुंह नहीं बनाना होता था, ऐसे ना, ऐसे और स्माइल करनी होती है, स्माइल। हाँ, अब इसको मर्ज कर लो, मर्ज कर लो इनको। खाना नहीं है अब, इसको ड्राई होने दो 2 मिनट के लिए। दिखाना जी मैम, आप सारी लिपस्टिक खराब कर दोगे अपनी, फिर देख लो। अब ठीक है, हमने रख दिया है घिया की लॉज बनने के लिए। घिया कस लिया है, दूध चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने अभी किचन थोड़ी सी फैल रही थी, यहाँ पर ड्राइफ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, चाय वाय पीती है शाम के टाइम। और हमारा सेटअप हो चुका है तैयार, तो मेरी हेल्प करेंगी खाने में। देखिए जो सेटअप वगैरह है उसमें हेल्प करती है मेरी छोटी नंद प्रिया, और जो खाना वाने का काम होता है उसमें हेल्प करती है मनीषा। बहुत अच्छा खाना बनाती है, और उनको ना नई नई रेसिपी मैं भी सिखाती रहती हूँ, और वो बहुत मतलब उनको ना ऐसा मेरी तरह ही है, जैसे सीखने का शौक बहुत है चीज़ों को। तो वो ये बना मतलब वो गोले कस रही थी, तो मैंने कहा चलिए फटाफट हम लड्डू बनाते हैं। आज दीदी थी नहीं, दीदी और बच्चे गए हुए थे मूवी देखने, स्त्री, उसने मेरे से भी कहा था चलेगी, फिर मेरे को याद आ रहा नहीं कल तो जन्माष्टमी है, मैंने तो फटाक से मना कर दिया, मैं कहा मैं नहीं जा रही, तू जा बच्चों को ले जा। अगर वो बच्चों को ले गई ना तो आधा काम हमारा वैसे हो गया। जिन्हू नहीं गई थी तो उसको संभाला था घर पे, पिंकी बुआ ने, क्योंकि पीकू वगैरह भी आए हुए हैं तो उनके साथ वो वहाँ पे बिजी थी, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। वरना संडे के दिन तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता, कान्हा मिंकी अपनी अलग टांगड़ आते हैं, जिनू अलग करती, तो सबका ना अपना अपना चलता रहता। बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता ना एक्साइटिंग सा कि घर पे कुछ कर रहे हैं तो उसको करो, और फिर वो हमारे काम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने कहा प्लीज़ बहन तू ही ले जा इनको कहीं घुमा ला। मेरे को उसको सुबह ही बोल दिया था कि आज इनके साथ संडे ना कोई ज़रूर प्लान बना लेना ताकि ये जाए और मेरा काम ईजिली हो पाए। फिर दीदी तो बच्चों को लेकर चली गई थी, और जिनू को हमने बुआ के घर भेज दिया था, वो तो मूवी नहीं देखती। तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। यहाँ पे मैंने काजू बादाम को और मखाने ये भून लिए हैं घी में, गोला नहीं भूना था, और इन सबको भून के हल्का हल्का दरदरा दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल हल्का। आप चाहें तो, मैंने तो इमाम दस्ता में भी कुटवा लिया था इनको थोड़ा थोड़ा, तो वैसे ही कर लेना है। और यहाँ पे बना लिया मैंने चाशनी, तो मैंने 3 कटोरी चीनी के हिसाब से लिया है क्योंकि ड्राई फ्रूट जितने थे उतना ही। क्या बनना है आपको? खेलने का बन रहा है? राधा रानी का बन रहा है। अच्छा, आप राधा रानी बन के इसमें बैठोगे? मेरे घर पे बना रही तुम तो मेरे लिए? यूँ पूछ रही है। हाँ जिनू के लिए, जिनू घर पे बना लूंगा, खाएगी ना जिनू? इसमें बनाऊ, इसमें कैसे बनाऊंगी पता नहीं, कह रही है इसमें बना के दे देगी मेरे लिए, वो वहां बैठ के खाएगी ना, उसका भोग लगा दिया वहीं पे। हाँ, प्लेट में, प्लेट में रख के इस राधा रानी का भोग खाई है। हाँ, राइट से चिपका दे, होगा भी ऐसी रहेगा, अगर अब चिनू चढ़ेगी तो चिनू ने होल छाप दिया। अभी नहीं, एप्पल।
तो हमारे बच्चे अपनी बुआ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अभी आज मनीषा मेरी हेल्प के लिए आई हुई थी, तो जिनू बड़ी हैरान हुई थी कि बुआ मेरे घर पे मेरे काम करवा रही है, मम्मा की हेल्प करा रही, तो आपने उसकी सुनी और आपको उसकी बातें इतनी प्यारी लगती हैं, आप उसके व्लॉग मिनी व्लॉग या फिर उसकी रील्स आप देखते रहते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। पर गाइस इसका क्या रहता है, जब इसका मूड है ना तो ये बहुत बनाती है, उसका मूड नहीं होता ना तो हम इसे कितना भी बोलते रहें ये बिल्कुल नहीं बनाती है। बच्चों का आपको पता ही है, इतने मूडी होते हैं, जैसे आपके बच्चे वैसे ही ये हैं, तो इसका जब मूड है तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेगा, जो इसका बिल्कुल मूड नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारे बन गए थे लड्डू, हमने गरम गरम बनाए इनको, और ना गरम गरम में ही ये बनते हैं, तो इस बार हमने बर्फ़ी नहीं बनाई, इस बार मेरे लड्डू बनाने का मन था तो मैंने सोचा चलिए लड्डू बना देते हैं। और साथ में बनाई हमने मैदा भी, आटा गूंद लिया था, उसकी मट्ठी और नमक पारे वगैरह ये सब भी बनाएंगे साथ ही एक साथ केक काटने। तुम्हें लेके नहीं गए अभिषेक पापा ने, तुम्हें बुलाया ही नहीं। तो चाचू साथ चली जाए शोरूम, जाएगी शोरूम, पापा के शोरूम जाएगी, वही पापा के शोरूम, अभिषेक पापा के शोरूम जाएगी, ऑफिस ऑफिस जाएगी, बड़े पापा के में जाएगी। क्रिश इसको बड़े पापा पास छोड़िए, फिर आयू कहते मैं इसके मम्मी इसके कपड़े पहुंचा रही है, अब से ये लड़की ऊपर रहेगी, ठीक है। हाँ ते कितनी खुश हो रही है। ये लड़की को ऊपर छोड़िया, जो कहते अब से ये ऊपर रहेगी, बड़े पापा के ऑफिस जाएगी और बड़े पापा के साथ ही रहेगी। देख ले अब भी पापा के शोरूम पहुंचा दूंगे, अभिषेक पापा के शोरूम, वहां पे केक काट रहे हैं कान्हा के बर्थडे का। हाँ जाएगी या बड़े पापा के ऑफिस जाएगी? अब भी बड़े पापा के पास जाएगी, गंदी लड़की। ये तो कान्हा जी की है, इनको रख दो, तू तो अपने बड़े पापा से ही नहीं मंगा ले, इनको रख दे यहाँ पे, चल आ रही है ले जाया ऊपर छोड़िया। कह दिए दादी से खाना खवा देंगे या रोटी? हाँ हाँ जब ही जाएगी ऊपर खाना खाने। राधा रानी, राधा रानी को सुला रही थी ये, राधा रानी सुला रही हाँ, वहां पे इसको करंट लग गया। अब मत जाइए माँ उसके पास, ठीक है, जा तो रही थी तू, अभी करंट लग जाएगा, मत जाना, ठीक है, अब मत रोटी। तो गाइस यहाँ पे बनी है हमारी घिया की लॉज, बन के तैयार हो गई है। ये बन गया है लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू सुबह के लिए, ये मछली, नमक पारे और ये छोटे छोटे टुकड़े। तो गाइस इस तरह से हमारा सेटअप हुआ था तैयार, और अभी यहाँ पे झूला और वही लगी है, और यहाँ हमने अपना सारा वो बना लिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, कर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हैप्पी जन्माष्टमी।